चंदौली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के बरथरा कला गांव में बुधवार को एक विवाहिता का घर में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव देख लोगों में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतका के भाई कन्हैया लाल गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने पति अखिलेश गुप्ता और ससुर निर्मल गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के फुटिया गांव निवासी सुभाष गुप्ता की बेटी जानकी 21 वर्षीय की शादी इसी साल 11 फरवरी को बरथरा कला गांव निवासी निर्मल गुप्ता के बेटे अखिलेश से हुई थी। शादी के बाद से जानकी अपने ससुराल में रह रही थी और पति अखिलेश मेडिकल स्टोर की दुकानों पर दवा पहुँचाने का कारोबार करता था। इसी बीच बुधवार की सुबह जानकी के कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिवार के लोग सशंकित हो गए। ग्रामीणों की मदद से जब उसके कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य देख सभी भयभीत हो गए। लोगों ने देखा कि जानकी का शव एक पीले कपड़े के फांसी के फंदे पर लटक रहा था। वहीं किसी ने इसकी सूचना पुलिस और मृतका के मायके पक्ष के लोगों को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जबकि मृतका के पति अखिलेश और ससुर निर्मल को कोतवाली ले आई। मृतका के भाई कन्हैया गुप्ता ने आरोप लगाया कि बहन के ससुराल के लोग सावली होने का बार बार ताना मारते थे, लेकिन उसने कभी अपने दर्द को हमसे साझा नहीं किया। पुलिस को 4 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें 2 गिरफ्तार हैं तथा 4 लोग फरार हैं। चंदौली से पवन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, SKH न्यूज़।